बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आगामी 27 सितंबर को राष्ट्रीय महिला मोर्चा द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत ने श्रमिक मंच संवाददाता को बताया कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां जमीनी स्तर की महिलाएं आज सरकार में कुछ पदों पर अपने दायित्व को बखूबी निभा रही हैं। श्रीमती रावत ने कहा कि ऐसे ही राष्ट्रीय मोर्चा में कार्यरत महिलाएं पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करेंगे और ऐसे कार्यक्रमों से प्रदेश की महिलाओं को एक अलग उत्साह व बल मिलता है। लेकिन महिलाओं का गुणगान करने वाली महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज खुद प्रदेश की महिलाओं को पार्टी द्वारा उपेक्षा किए जाने के सवाल पर उलझ गई। इतना ही नहीं, जब मीडिया ने उन पर सवाल के बौछार करना शुरू किया तो आखिरकार दीप्ति रावत को महिलाओं के पक्ष में बोलना ही पड़ा और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति ने पत्रकारों को बहुत ही शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा में महिलाओं को वह 50% आरक्षण देने की बात को प्रमुखता से रखेंगे। अब देखना होगा आगामी चुनाव में मैडम दीप्ति रावत की बात कितना सच साबित होते हैं या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नृत्य है, जो भी उत्तराखंड की एक कल्चर है वो हम उनको बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं आ रही हैं देश भर से, प्रमुख जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो आ रही हैं, तो वो एक कल्चरल इवनिंग की तरह वो वहाँ पर होगी और उसके बाद डिनर भी उनका वहाँ होके फिर हम वापस लौटेंगे। परसों इसी तरीके से हमारे कई सत्र उस पर चलने वाले हैं, रेजोल्यूशन सेशन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, समापन सत्र भी होगा। तो इस तरीके से 2 दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ रहने वाली है। इसमें आने वाले जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो अध्यक्ष हैं, प्रदेशों की जो महामंत्री हैं वो इस पे रहने वाले हैं। इसके अलावा हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं महिला हैं वो भी इसमें आमंत्रित हैं, वो भी आएंगी, और दूसरे प्रदेशों की जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि वो हमारे जो कार्यकारिणी की जो लिस्ट है उसमें वो स्पेशल इन्वाइटी होते हैं, तो वो भी इसमें मौजूद रहेंगी। इतने महिलाओं को मौका दिया, आप बताइए इसको। प्रदेश में अब चुनाव आने वाले हैं ना, धरातल पे महिलाओं को उपेक्षा नहीं की जा रही है, धरातल पे कितनी महिलाओं को आगे किया बता दीजिए, पूरा के साथ आप बताइए महिलाओं को कितना, महिलाओं को तभी तो आगे बढ़ेंगे मैम, मौका मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, मौका नहीं मिलेगा कैसे बढ़ेगा। ये तो मैं जैसे आप जैसे लोग पहुंच जाएंगे ऊपर, अभी नीचे धरातल ऐसे ही बढ़े हैं, धरातल से ही बढ़ते हैं, बीजेपी के खेल होता अभी भी।